बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विश्व हिंदू महासंघ कार्यकारिणी विस्तार हेतु शहर के एक निजी होटल में बैठक हुई। सर्वप्रथम चित्रपट पर माल्यार्पण किया, तत्पश्चात नम्रता गुप्ता ने जिलाध्यक्ष उषा सोलंकी को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया व सभी माता शक्तियों को भी दुपट्टा उड़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। जिला अध्यक्ष उषा सोलंकी ने भी नम्रता गुप्ता को दुपट्टा उड़ाकर दायित्व ग्रहण कराया। विश्व हिंदू महासंघ की माता शक्ति मथुरा ने जिला संगठन का विस्तार करते हुए मातृशक्ति जिला अध्यक्ष श्रीमती उषा सोलंकी एडवोकेट ने शहर कार्यकारिणी का गठन किया। इस संगठन में लगभग शहर से 50 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया तथा जिला अध्यक्ष उषा सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया, यह संगठन नेपाल से जन्म होकर कई प्रदेशों में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है। जो महिलाएं अपनी संस्कृति से भटक जाती हैं उनको सही मार्ग दिखा रहा है, अपनी सनातन संस्कृति की तरफ मोड़ना है। वहीं नम्रता गुप्ता को शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा शिल्पा भाटिया, शिल्पा झुंझुनवाला, गीता अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल, कविता अग्रवाल, लविया मुंजिल को पदाधिकारी नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में मैनीलम अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, गीता कौशल, विनीता अग्रवाल, सुनीता दानी, दिव्या, सीमा मिश्रा, नीता सोलंकी, दीप्ति त्रिपाठी, ऊषा अग्रवाल, सविता को श्रेष्ठ, रजनी को श्रेष्ठ, रजनी भट्ट, प्रिया राजवाला सोलंकी, मधु मंदावत, आशा रुचि द्विवेदी, मोनिका भटनागर, अनिता आदि बहुत सी महिलाओं ने सहभागिता की। मेरा नाम नम्रता गुप्ता है। आज मुझे विश्व हिंदू महासंगठन से मुझे नगर अध्यक्ष चुना गया है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे संग महिलाएं आई हुई हैं, 50 महिलाएं हैं साथ में जुड़ी हैं। आज नए संगठन की शुरुआत है। अब देखते हैं आगे हम सोशल वर्क वगैरह करेंगे तो कैसे क्या करते हैं और आगे बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे मातृशक्ति के द्वारा। लगभग कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आज? 50 महिलाएं साथ में जुड़ी हैं हमारे। हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम था, क्या कहना चाहोगे? आज हमने अपनी शहर कार्यकारिणी गठित की है। विश्व हिंदू महासंघ सनातन धर्म के लिए बहुत दिनों से कार्य करता है, हमारे भारत में भी कार्य करता है और नेपाल में इनका जन्म हुआ इस संगठन का, और ये 15 देशों में ये सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। हम लोग अपने जो हिंदू धर्म की संस्कृति है उसको बढ़ाते हैं, त्यौहारों को मनाते हैं और राष्ट्र के प्रेम की भावना जागृत करते हैं। जो पाश्चात्य सभ्यता से हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे या हमारी महिलाएं दिग्भ्रमित हो रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हम अपने हिंदू संस्कृति के उनके थॉट को, उनके विचारों को, उनके संस्कारों को, अपनी महान संस्कृति को प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं। आज हमने बहुत सारी महिलाओं को इसमें जोड़ा है तो विश्व हिंदू महासंघ जो मातृशक्ति का संगठन है उसकी मैं जिलाध्यक्ष हूँ और आज मैंने अपनी एक कार्यकारिणी घोषित की है। नम्रता जी को मैंने शहर अध्यक्ष घोषित किया है और ये हमारी सब उपाध्यक्ष, हमारे जिला कार्यकारिणी की सारी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सभी सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। तो आज हमने अपने संगठन का विस्तार किया है और कार्यकारिणी का गठन किया। राधे राधे जी, मैं रमेश पचौरी, जेपी वाटर अरेना और जैसे कि आप देख रहे हैं समर का सीजन आ चुका है, बच्चों के लिए लेके आए हैं स्विमिंग क्लासेस की व्यवस्था है। आप अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं, अच्छी स्विमिंग क्लासेस दी जाती हैं यहाँ पर। मथुरा शहर में पहली बार जेपी बाटा अरेना लाया है सबसे किफायती रेटों पर सेमी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। किफायती रेटों पर स्विमिंग क्लासेस, साथ ही आप यहाँ स्विमिंग पूल का आनंद उठा सकते हैं और यहाँ मौजूद है रेस्टोरेंट जो कि आपको मनोरंजन के साथ साथ स्वाद भी देगा। तो आज ही संपर्क करें जेपी बाटा अरेना। हमारा पता है गणेशरा रोड मथुरा, संपर्क 9058511100। और पूरे व्यवस्था है बच्चों की सेफ्टी को लेके, पानी की स्वच्छता को लेके, वॉशरूम्स मेल्स फीमेल्स सब सेपरेट हैं और आप आएं और बच्चों को प्रोत्साहित करें स्विमिंग के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे इंडोर गेम्स, वीडियो गेम्स, फ़ोन में लगे रहते हैं जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है कि बच्चे थोड़ा सा बाहर जाके खेलें, बाहर इंडोर आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करें, इसी के चलते स्विमिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है। बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चे की छुपी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं? तो परेशान ना हो, आपके लाडलों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक आदर्श विद्यालय माउंट हिल एकेडमी, जहां पर हम देते हैं आपके बच्चे के लिए ऐसा माहौल जहां शिक्षा के साथ हम आपके बच्चे की छुपी प्रतिभा को निखारने में भी मदद करते हैं। साथ ही माउंट हिल एकेडमी देता है कई सारी सुविधाएं जैसे एबकस, वैदिक मैथ, फोनेटिक्स ट्रेनिंग, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब,
स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए स्पोर्ट्स क्लासेस, मेडिटेशन और योगा, बस फैसिलिटीज, भारत शासन से प्राप्त स्पेशल स्कॉलरशिप, बच्चों के लिए प्राकृतिक माहौल। इतना ही नहीं, हमारे पास है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान पा चुके अनेक बाल वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, एथलेटिक्स, शूटर, पहलवान, बेसबॉल खिलाड़ी, कराटे खिलाड़ी, स्कॉलरशिप्स पा चुके एकेडमिक टॉपर्स जो बनाते हैं हमें औरों से बेहतर। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही विजिट करें, एडमिशन हेतु आज ही संपर्क करें माउंट हिल एकेडमी, एड्रेस अजय नगर, बलदेव रोड, मथुरा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। वेलकम टू द ड्रीम बेस ऑफ योर चाइल्ड, कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल, द ओनली प्लेस इन वृंदावन दैट ऑफर्स द बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू अ वेल रिसोर्स्ड एक्टिविटी रूम, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom.